वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में यूनिट इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने समझा था मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इसकी जब नीड होगी तो करेंगे लॉग वैल्यू को। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड्स थे बच्चे, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर था, एक वेटेड इंडेक्स नंबर था। लास्ट क्लासेस में हमने अनवेटेड के टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में जहां पर की क्वांटिटी मेंशन नहीं था, सिर्फ प्राइस था एंड जो आर्टिकल्स जो कमोडिटीज थे उसके नाम थे, जिसमें दो मेथड थे, एक एग्रीगेटिव मेथड, एक एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर है बच्चे? और लास्ट क्लासेस में हमने एग्रीगेटिव मेथड भी कर लिया और एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड कर लिया। ये हो गया हमारा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है? और वेटेड इंडेक्स नंबर मीन्स आप समझ जाओ कि यहां पर जैसे कि लास्ट क्लासेस में अनवेटेड में एक बेस ईयर का प्राइस था और एक करंट ईयर का प्राइस था, तो वेटेड में क्वांटिटी भी आ जाएगी। और क्वांटिटी कौन सी आएगी? यहां पर वही दोनों क्वांटिटी आएगी, एक बेस ईयर की क्वांटिटी, एक करंट ईयर की क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे? तो इस बार आप लास्ट अनवेटेड में आपको P0 P1 देखने को मिल रहा था, यहां पर आपको P0 P1 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्वांटिटी भी देखने को मिलेगी जिसको Q0 एंड Q1 नाम से डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चे? और इसमें भी दो मेथड्स हैं, एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और एक वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। बच्चे आज की क्लास में बस हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्रीगेटिव मेथड को लेकर के चलेंगे। क्लियर है? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वेटेड के अंदर वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। आज हम इसी को कवर करने वाले हैं, वेटेड ऑफ एग्रीगेटेड मेथड। तो आज वेटेड इंडेक्स नंबर पे और एग्रीगेटिव मेथड पे हैं। अब बच्चे वेटेड के अंदर एग्रीगेटिव मेथड देने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि वेटेड के अंदर, अब अनवेटेड में तो आपको पता है एग्रीगेटिव मेथड क्या था, भैया P1 जोड़ दो, P0 जोड़ दो, कंपेयर कर लो, इंटू 100 कर लो, आ गया। लेकिन वेटेड की बात करूं मैं तो वेटेड में एग्रीगेटिव मेथड किसी एक इकोनॉमिक्स ने नहीं दिया, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिया ये मेथड्स। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला भी अलग अलग हो गया और उन सब इकोनॉमिक्स के नाम से वो फॉर्मूला जाना जाता है आज के डेट पे। फॉर्मूले को समझेंगे, फॉर्मूले पे आएंगे, किस इकोनॉमिक्स ने क्या फॉर्मूला दिया उस पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बेसिक सी चीजें समझिए। आप मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएं पहले कि लाइक कोई एक कॉमोडिटी है, कोई एक बिस्किट है जिसका अपना एक प्राइस है, प्राइस 5 रुपीज है। प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चे? वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू। अगर आप जो है किसी स्टेशनरी की शॉप पे बोलेंगे सर आपके नोटबुक का प्राइस क्या है, वो कहते हैं 50 रुपीज, तो क्या दुकान से सारी नोटबुक उठा लोगे? प्राइस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक नोटबुक की आपको कीमत बताइए उसने, तो ये प्राइस है 5 रुपीज, ठीक है बच्चे? प्राइस इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से, जो कि क्या है 5। और इसकी क्वांटिटी मैं ले रहा हूं, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे किससे? क्यू से। और इसकी मैं क्वांटिटी ले रहा हूं बच्चे 10। तो बताओ मुझे कितने रुपए एक्सपेंस करने पड़ेंगे, मेरा कितने रुपए खर्चा होगा, या फिर इस पे मैं कितने रुपए मेरे लग रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, कितने बोलोगे आप सर? 50 रुपीज। तो इसका मतलब क्या आ गया कि यहां पर आपका एक्सपेंस आ गया, फिफ्टी रुपीज। ये बात समझ में आया आपको? तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू का मतलब क्या हुआ बच्चे? पी क्यू का मतलब हो गया आपका कॉस्ट बोल दो, या फिर आप अपना एक्सपेंस बोल दो। पी क्यू मीन्स क्या हो गया आपका? कॉस्ट, या फिर आप अपना एक्सपेंस बोल दो, कॉस्ट बोल दो आप इसको, पी क्यू मीन्स। क्लियर है? अब कुछ टर्म आपको समझना होगा, मैं आपसे बोलता हूं पी जीरो मतलब पहले क्या प्राइस हुआ करता था, क्यू जीरो मीन्स पहले क्या क्वांटिटी लेते थे। भाई क्वांटिटी भी तो वेरी करता है ना, पहले हम क्या ले रहे थे आज क्या ले रहे हैं। तो पी जीरो और इंटू क्यू जीरो मतलब क्या हुआ, पहले जो प्राइस हुआ करती थी और पहले जितनी मैं क्वांटिटी लिया करता था उस समय कितना कॉस्ट आता था। एग्जांपल के लिए मैं अपने फादर के टाइम की बात करूं कि उस समय ये प्राइस हुआ करती थी और उस समय वो इतनी क्वांटिटी लेते थे इस चीज की, तो उस समय उनका इतना खर्चा होता था, ये इसका मतलब है। चलो अब P1 एंड Q1 मीन्स क्या है,
समझना होगा आपको, तभी आप फॉर्मूला समझ पाओगे पी वन एंड क्यू वन। आज प्राइस क्या है और आज मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूं, तो आज मैं कितना अफोर्ड करता हूं, आज मेरे कितने पैसे लग जाते हैं। क्लियर है? चलो इसका मतलब बताओ क्या है। पी जीरो क्यू वन, आज मैं जितनी क्वांटिटी ले रहा हूं इसको पहले अगर मैं लेता तो पहले वाली कीमत पे लेता। जैसे आप कहोगे यार एक तो तोला सोना 70,000 रुपए का है, पहले यही एक तोला सोना जो है ना 50,000 का होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली प्राइस पे आज जितनी क्वांटिटी लेता तो मेरे 50,000 रुपए खर्च होते। तो पी जीरो क्यू वन मीन्स की पहले वाली कीमत पे आज जितनी मात्रा लेता तो मेरे इतने खर्च होते। पी वन क्यू जीरो मीन्स क्या है, जितनी क्वांटिटी पहले लेता था मैं, आज अगर मैं उस क्वांटिटी को लेने के मार्केट में पहुंचूंगा तो मुझे आज कितने रुपए खर्चने होंगे। ये समझ में आया आपको बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? आइए अब मैं बच्चे बात क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बच्चे बात कर रहा हूं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड के अंदर एग्रीगेटिव मेथड को देने के लिए कोई एक इकोनॉमिक्स नहीं रहे, अलग अलग इकोनॉमिक्स रहे। जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स रहे जिन्होंने एग्रीगेटिव मेथड दिया वेटेड के अंदर, उनको लेस्पियर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, लेस्पियर नाम था उनका। तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, इसमें इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, ये कहते हैं कि पी वन आज के प्राइस में ओल्ड क्वांटिटी पहले वाली क्वांटिटी लेते तो मुझे कितना रुपया अफोर्ड करना पड़ता, जो पहले क्वांटिटी हम कंज्यूम करते थे अगर आज उसको हम कंज्यूम करें तो आज कितना अफोर्ड करना पड़ेगा, और सेम पहले वाली क्वांटिटी को पहले वाली प्राइस पर पहले कितना उस पर अफोर्ड करते थे। क्लियर है? तो ये इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी बेसिकली क्या है, इसमें क्वांटिटी आपका बेस ईयर का ले रखा है कि बेस ईयर की क्वांटिटी को आज मार्केट में लेने जा रहा हूं तो कितना कॉस्ट आ रहा है, और उसी बेस ईयर की क्वांटिटी को पहले लेने जाता तो कितना कॉस्ट आता है। क्लियर है बच्चे? तो बेस ईयर की क्वांटिटी को आज लेने जा रहा हूं कितना कॉस्ट आ रहा है, बेस ईयर की क्वांटिटी को पहले लेता था तो कितना कॉस्ट आता था, इसको हम क्या बोलते हैं लेस्पियर मेथड। तो बेसिकली लेस्पियर मेथड किस चीज पे फोकस करता है, वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी को क्या रख रहा है, वो बेस ईयर की क्वांटिटी रख रहा है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई लेस्पियर मेथड के? आपको फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो लेस्पियर मेथड कहता है पुरानी क्वांटिटी पे फोकस करता है, पुरानी क्वांटिटी को आज का कॉस्ट कितना है, पुरानी क्वांटिटी पे पहले का कॉस्ट कितना होता था, उसमें क्या बोलते हैं लेस्पियर मेथड। नहीं तो एक तरीका आपके पास में इंडेक्स नंबर, देखो पी क्यू, पी क्यू इन टू हंड्रेड, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, पी क्यू बाई पी क्यू इन टू हंड्रेड, बस जीरो और वन में कंफ्यूजन है ना। कोई बात नहीं, लेस पेयर में आप स्टार्ट कहां से करो, वन से। अब लेस पेयर में लेस आ रहा है, लेस है, लेस कर दो वन में, क्या हो गया जीरो, सब जीरो कर दो, सब जीरो कर दो। अब याद रहेगा वन से स्टार्ट करो, लेस पेयर में लेस कर दो। क्लियर है बच्चे? आइए लेस पेयर का क्वेश्चन देख लें, चलो दो तीन क्वेश्चन देख, दो तीन फॉर्मा देख लेते हैं। एक हो गया बच्चे यही वेटेड के अंदर एग्रीगेटिव मेथड देने के लिए कोई एक ही इकोनॉमिक्स नहीं रहे, बहुत सारे रहे, तो उसमें पांच छह प्राइस इंडेक्स। तो बच्चे पांच छह प्राइस इंडेक्स क्या कहता है, पांच छह वाला जो है ना ये क्या करता है, ये करंट क्वांटिटी पे फोकस करता है, ये करंट क्वांटिटी पे फोकस करता है, और लेस पेयर लेस मतलब बेस सीरी क्वांटिटी फोकस करता था कि बेस सीरी क्वांटिटी को आज कितने में अफोर्ड कर रहे हैं, बेस सीरी क्वांटिटी को पहले कितने में अफोर्ड करते थे, और ये आज की क्वांटिटी को आज कितने में अफोर्ड कर रहे हैं, और आज की क्वांटिटी को पहले कितने अफोर्ड करते थे, ये करंट क्वांटिटी फोकस करता है। खैर आपको याद करने का तरीका देता हूं, पी जीरो वन ये तो आपको पता ही है, पी क्यू अपॉन पी क्यू करना है आपने, इन टू हंड्रेड तो करना ही है आपको। क्लियर है बच्चे? ये तो करना ही है आपको, बस इसमें आपका खेल किस चीज का है, वन जीरो का, तो वहां पर भी यहां वन था, यहां जीरो था, वन जीरो, बस ये क्या है पांच छह करंट क्वांटिटी फोकस करता है। पांच छह क्या करता है, करंट क्वांटिटी फोकस करता है। क्लियर है बच्चे? इसको हम आइडल मेथड भी कहते हैं, फिशर्स मेथड को। फिशर्स मेथड में कुछ भी नहीं है, आपको लेस पेयर लर्न हो गया, देखो लेस पेयर है, आपको पांच छह लर्न हो गया, देखो पांच छह। क्लियर है? अंडर रूट करके और बाहर, क्योंकि 100 इंटू 100 तो ये क्या हो जाएगा 10,000 का रूट आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा ना,
तो दोनों मेथड को मिक्स कर करके आपका फिशर्स मेथड बनाया, इसको हम आइडल मेथड भी बोलते हैं। तो ये क्या आपका फिशर्स प्राइस इंडेक्स आइडल मेथड भी इसको हम कहते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये? कोई डाउट? अभी पहले तीन मेथड सारा फॉर्मूला मिक्स हो जाएगा, मैं पहले तीन मेथड के ऊपर आपसे उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस करो। लेस पेयर मेथड, पाश्चे मेथड, मार्शल, ये सब मेथड बाद में करेंगे, फिशर मेथड पहले। आज की क्लास में तीन मेथड फोकस करेंगे हम, ठीक है? आइए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2010 विद 2000 एज अ बेस ईयर। 2000 क्या है बच्चे? एज अ बेस ईयर है, ठीक है? तो ये प्राइस एंड क्वांटिटी एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, तो इसको मैं पी जीरो, यहाँ पे ईयर मेंशन होना चाहिए, है नहीं, बट कोई बात नहीं, वो मिसप्रिंट, वो टाइपिंग में मिस्टेक है, अदरवाइज मेंशन होगा। पी जीरो है, क्वांटिटी है क्यू जीरो, करंट प्राइस पी वन, करंट क्वांटिटी क्यू वन, ठीक है बच्चे? लेस पेयर मेथड करना है, तो सबसे पहले लेस पेयर मेथड करना, उसका फॉर्मूला लिखो आप लेस पेयर का। बच्चे लेस पेयर मेथड में क्या है आपका फॉर्मल लिखेंगे, समीशन ऑफ पी वन, अब सब कुछ लेस है, सब कुछ लेस है, और इनटू 100। किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पी वन एंड क्यू जीरो की रिक्वायरमेंट है, एंड पी जीरो एंड क्यू जीरो की, दो कॉलम क्रिएट करते हैं। ये दो कॉलम क्रिएट कर हमने, ठीक है बच्चे? क्या निकालना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है पी वन एंड क्यू जीरो, पी वन एंड क्यू जीरो, P1 and Q0। तो बच्चे क्या है आपके पास में? P1 and Q0, this one, clear है? इसका मतलब क्या है? आप अच्छे से समझ चुके हैं कि भैया old quantity को अगर आज market में खरीदने जाएंगे तो आज मुझे कितना afford करना होगा। तो P1 and Q0, this one, focus करेंगे 32, 600, 750, 400। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे लेस पेयर मेथड आपके पास में ही आ गया। अब लेस पेयर मेथड में P1 एंड Q0 कर लिया आपने, आपको रिक्वायरमेंट क्या है? P0 एंड Q0 की। तो P0
क्यू जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पी जीरो क्यू जीरो का ये ना मल्टीप्लाई करेंगे 160। पी जीरो एंड क्यू जीरो मीन्स क्या होता है, क्यू जीरो एंड पी जीरो, पी जीरो पहले वाले बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर है क्वांटिटी, तो पहले वाले क्वांटिटी को पहले खरीदते थे तो कितना अफोर्ड करना पड़ता था। तो यहां पर देखेंगे 160 एंड 500 सॉल्व करेंगे 600 पी जीरो एंड क्यू जीरो एंड 400। बच्चे हमें तो पी वन एंड क्यू जीरो का समीशन चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करते हैं अब यहां पे बच्चे, यहां हम कैलकुलेट करेंगे समीशन ऑफ पी वन एंड क्यू जीरो। ठीक है, कैलकुलेटर है बच्चे, ज्यादा हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 320 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400 2070 एंड समीशन ऑफ पी जीरो एंड क्यू जीरो हमारे पास में 160 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 400, तो कितना है हमारे पास में बच्चे 1660। क्लियर है, अब बस आपको अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। स्पेयर मेथड में पी जीरो वन इक्वल्स टू समीशन ऑफ पी वन एंड क्यू जीरो 2070 अपॉन 1660। अब आपको तो इसकी टेंशन नहीं है ना, भाग कैसे होगा, डिवाइड कैसे होगा, वो तो कैलकुलेटर करेगा बच्चे। तो एक चीज स्टैट्स में आपके लिए बहुत इजी रहने वाली है, कैलकुलेटर का साथ आपके साथ रहने वाला है। क्लियर है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे 124 पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लो, ये आपका आंसर है। लेस्पेयर मेथड समझ में आ गया, आपको क्या करना है 5-6 मेथड। चलिए बच्चे अब हम क्या पढ़ेंगे 5-6 मेथड। इसका क्या होता है पी जीरो वन, पाश्चय मेथड बेसिकली करंट क्वांटिटी फोकस करती है, तो आपको पता है पी एन क्यू कुछ नहीं आ रहा है, ये तो आपको आ ही रहा है। ठीक है, वन जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ये करंट क्वांटिटी पे फोकस करता है पाश्चय, बस फॉर्मूला ऐसे आपको लिंक करना है। अब आपको किस की रिक्वायरमेंट है, पी वन एंड क्यू वन आपके पास में है क्या, नहीं है, आपको क्रिएट पी जीरो एंड क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन नहीं है, दोनों ही आपको निकालने हैं। चलो आगे करते हैं प्रोसेस, देखो बच्चे क्या चाहिए आपको, P1 and Q1 मीन्स करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस पर आज बाजार में लेने जा रहे हैं तो आज मुझे कितना अफोर्ड करना पड़ेगा, P1 and Q1 दिस वन 240 300 एंड 750 500 और समीशन चाहिए होता है पी वन एंड क्यू वन का, तो समीशन क्या आएगा हमारे पास में बच्चे 240 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 500 1790 एंड आपको और क्या रिक्वायरमेंट है पी जीरो एंड क्यू वन का, पी जीरो एंड क्यू वन। अब बच्चे देखें पी जीरो एंड क्यू वन फर्स्ट एंड लास्ट, तो आपके पास है 120 50 एंड 250 600 और आपके पास है 500 पी जीरो क्यू वन, हाँ ठीक है 500
तो समेशन ऑफ पी जीरो क्यू वन सॉल्व करते हैं, 120 प्लस 250 प्लस 1100 1470। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पी जीरो वन इक्वल्स टू एंड पी वन क्यू वन क्या है आपके पास है 1790, पी जीरो क्यू वन क्या है 1470 इंटू 100 एंड जो करेगा वो कैलकुलेटर करेगा 1790 प्लस 1470 ओहो गलती नहीं 1790 डिवाइडेड बाय 1470 121 इंटू 100 121.76। क्लियर है बच्चे, नियर बाय आंसर रहेगा आपका। अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं बच्चे, जो मैंने आपको बताया एक फिशर्स आइडल मेथड। हम पढ़ने जा रहे हैं फिशर्स आइडियल मेथड। पी जीरो वन आप पहले क्या करें, आप लेस फेयर लिखें, समीशन पी वन क्यू जीरो सब जीरो, उसके बाद आप पाश्चे लिखें, पी समीशन पी वन क्यू वन समीशन, ठीक है बस इसका रूट करके और बाहर आप हंड्रेड करते हैं। चल माया बच्चे सॉल्व करेंगे पी जीरो वन, क्लियर है तो आपके पास में तो ये है गिवन पी वन जीरो अंडर रूट 2070 अपॉन 1660 मल्टीप्लाई 1790 अपॉन 1470 इंटू 100। चलिए इसको करते हैं आप 2070 डिवाइडेड बाय 1660 तो हमारे पास में क्या आ गया 1.24 इंटू 1790 डिवाइडेड बाय 1470 1.21 इंटू 100 इंटू कर दो इसको 1.24 से एंड इसका रूट कर दो आप 1.22 और इंटू आप 100 कर दो तो क्या है आपका 122.87। ठीक है बच्चे क्लियर है, तो ये आपके पास में तीनों मेथड आपके पास में हो गए हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बच्चे देखो जैसे कि आप कहते सर पास्ट ईयर क्वेश्चन करवा दो, तो बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चन में साथ साथ आपके सिलेबस में मैं ऐड करके भी चलता हूं। जैसे आप देख रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2020, तो कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आपके फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर 2007 विद द 2006 एज अ बेस ईयर बाय द लेस फेयर मेथड पाश्चे मेथड एंड फिशर्स मेथड करो। अभी बाकी तीन मेथड मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है करवाऊंगा, लेकिन एक साथ सारे फॉर्मूले दे दूंगा तो सारा होच पोच हो जाएगा आपका, इसलिए आप जो है तीन मेथड ट्राई करो फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। कर लोगे? सेम क्वेश्चन बच्चे आप करो, नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा। ये कुछ होमवर्क है आपका, क्या है डॉर्बिस एंड बाउली प्राइस इंडेक्स, इस पर कुछ भी नहीं है, लेस पेयर का आपको पता है
पाश्चे आपको पता है सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसको ऐड करके उसका एवरेज ले लेना है आपको, लेस पेयर एंड पाश्चे को ऐड कर करके और उसका आपको एवरेज ले लेना है और इनटू 100, यहां 100 इंडिविजुअल नहीं लगेगा, क्लियर है बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं, बाउली। बाउली मतलब कि क्या करना है आपको, एक एवरेज ले लेना है, ठीक है? डॉर्बिश एंड बाउली प्राइस इंडेक्स, क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? तो इसके अंदर आपको बस लेस पेयर का फॉर्मूला, पाश्चे का फॉर्मूला ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। अब लेस पेयर एंड पाश्चे क्या ऑलरेडी अप्लाई करवा चुका हूं मैं आपको, क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन करना है। एंड मार्शल एडवर्ट प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर आपको जो है बेसिकली क्या करना है, देखिएगा, इसके अंदर बेसिकली आपने P1 लेना है आपको प्राइस एंड P0, ये तो लेस पेयर वाला ही ले लिया हमने प्राइस, बट क्वांटिटी हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। क्वांटिटी क्या करना है हमें, एवरेज लेना है। क्वांटिटी Q0 Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है बच्चे? तो हमें किस क्वांटिटी को लेना है, क्वांटिटी एवरेज हमें लेना है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना? और जब 2 से 2 अगर आप कैंसिल करोगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर उसका क्या बचेगा आपका, दोनों क्वांटिटी का सम, दोनों क्वांटिटी का सम, क्लियर है बच्चे? अब दोनों क्वांटिटी का आप सम कर रहे हैं तो बेसिकली ये P1 मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है आपका, ये P1, Q0, P0 एंड Q0, क्या ये बच्चे, ये क्या आपका लेस पेयर है, क्या ये आपका पाश्चे है? तो बस इसमें क्या होता है कि आपके पास में मार्शल में आपके पास में लेस पेयर एंड पाश्चे का सम होगा, लेस पेयर एंड पाश्चे का, लेकिन बीच में पूरी लाइन आएगी बीच में, सम इनटू 100, क्लियर है बच्चे? मार्शल हो गया। तो बाउली में क्या था आपका, लेस पेयर पाश्चे डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, और ये लेस पेयर पाश्चे का क्या हो गया हमारे पास में, सम इनटू 100 हो गया। दो मेथड ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? और ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, P1 एंड P0, Q0 एंड Q1, Q0 एंड Q1, बस यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मूले की शीट्स मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, क्लियर है? नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर को हम, इस चैप्टर को नहीं सॉरी, इस मेथड को, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को हम एंड कर देंगे, फिर हम एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड पे जाएंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दिव्या, ठीक है।